हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में जिसका नाम है रूल्स डॉट कॉम। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम प्रिडिक्शन रूल्स के बारे में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में जो ये ब्लॉक्स होते हैं, फंक्शनल ब्लॉक होता है, समिंग पॉइंट होता है, कट ऑफ पॉइंट होता है, तो ये जो डिवाइसेस है और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये रूल्स कई बार, ये फंक्शनल ब्लॉक कुछ इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उनको सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको सिंपली रिड्यूस करने के लिए ये कुछ रूल्स वहाँ पर बताए गए हैं, वो रूल्स आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो किस सिचुएशन पे कौन सा रूल वहाँ पर अप्लाई किया जाता है और कैसे अप्लाई होता है वो रूल, वो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ कुल मिला के एक 10 रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आपको जो कंट्रोल सिस्टम में ये जो ब्लॉक्स सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाता है वो आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके डिवाइसेस बता देता हूँ। ये जो G1 G2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं फंक्शनल ब्लॉक। ठीक है, कोई भी एक फंक्शनल ब्लॉक होता है वो यहाँ पर कुछ G1 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एरो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये इन फंक्शनल ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसे हम कहते हैं समिंग पॉइंट, यानी कि ये कौन से भी दो सिग्नल्स को सम करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक कौन सा भी एक आउटपुट सिग्नल, अगर हमें उसका एक फीडबैक लूप देना है तो वो यहाँ पर हम इस कट ऑफ पॉइंट के ज़रिए यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको इसका फर्स्ट रूल बता देता हूँ, जो है ब्लॉक्स इन सीरीज। यानी कि अगर ये आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर दो जो ब्लॉक्स हैं, फंक्शनल ब्लॉक, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच कोई भी सेविंग पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर ये ब्लॉक्स इन सीरीज का रूल जो है वो अप्लाई होता है। और ये रूल अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है G1 इंटू G2। ये ब्लॉक कुछ रिड्यूस होके कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन है। इस ब्लॉक को हम इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल सिस्टम्स के जो ये जो टेक्निक्स हैं वो हमें उसको रिड्यूस करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये रूल्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो रूल आता है वो आता है ब्लॉक्स इन पैरेलल। यानी कि यहाँ पर ये दो जो फंक्शन ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है और इस कट ऑफ समिंग पॉइंट पे ये दोनों सिग्नल्स जो है वो मिल रहे हैं। तो इसको अगर हमें रिड्यूस करना है और सिंपलेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि है G1 प्लस और माइनस G2। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस किसे किस पे डिपेंड रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो सिग्नल आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इन्वर्टिंग आ रहा है या नॉन इन्वर्टिंग आ रहा है, इस पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन है वो डिपेंड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव आता है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन दे सकते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमें इनपुट दे रहा है वो इनपुट होता है हमें R ऑफ S, और जो आउटपुट होता है वो होता है C ऑफ S। R ऑफ S का मतलब होता है रेफरेंस इनपुट और C ऑफ S का मतलब होता है कंट्रोल्ड आउटपुट। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग होता है इनपुट और आउटपुट का। मैं आपको हर बार ये नहीं बताने वाला हूँ, एक ही बार मैं बता दूंगा फिर यह आपको समझ ही जाएगा। फिर आपको तीसरा जो रूल आता है वो आता है हमें जो फीडबैक लूप, रिमूवल ऑफ फीडबैक लूप। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फीडबैक लूप हो, यहाँ पर फीडबैक ब्लॉक हैं, तो इस ब्लॉक को हमें रिड्यूस करना पड़ता है इस रूल में। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद ये कुछ एक सिंप्लीफाई वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये सिग्नल जो है वो प्लस या माइनस इन दोनों फॉर्मेट में आ सकता है, यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अगर यहाँ पर इन्वर्टिंग साइन है तो यहाँ पर हमें नॉन इन्वर्टिंग साइन देना पड़ता है, और ये सिंप्लीफाई हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
इस तरीके से। अगर यहाँ पर इन्वर्टिंग साइन है यानी कि पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, और यहाँ अगर आपको नेगेटिव साइन दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आपको अपोजिट साइन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा रूल जो कि है रिमूवल ऑफ फीडबैक लूप, ठीक है। ये है हमारा फीडबैक लूप और ये फंक्शनल ब्लॉक। तो आपका नेक्स्ट जो रूल आता है वो रूल आता है आपका इंटरचेंज ऑफ समिंग पॉइंट्स, मतलब ये जो समिंग पॉइंट्स है इनको आपको इंटरचेंज करना है, इसकी जगह ये लेना है, इसकी जगह ये लेना है। इसको आप एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। तो इसको आपको चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज ये दो समिंग पॉइंट्स बना लेने हैं कुछ इस तरीके से। ये बनाने के बाद आपको ये जो सिग्नल्स हैं यहाँ पर वो इंटरचेंज करने हैं, मतलब आप ऐसे सिग्नल्स दे दें सबसे पहले, और फिर आपको ये जो साइन है इस साइन को इंटरचेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर प्लस और माइनस था और यहाँ पर माइनस प्लस था, तो आपको यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस और माइनस दे देना है, फिर आपका ये जो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये भी एक आसान सा रूल है। अब देखते हैं हमारा पांचवा रूल। पांचवा जो रूल है हमारा वो है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिहाइंड ब्लॉक, यानी कि ये जो समिंग पॉइंट है ये हमें इस फंक्शनल ब्लॉक के पहले लेना है। तो आप इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शनल ब्लॉक है अगर आप इसका इन्वर्स ले लें, यानी कि 1/g अगर यहाँ पर ले लें इस सिग्नल में, तो आप ये समिंग पॉइंट इसके पहले ला सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा समिंग पॉइंट, ये रहा हमारा सिग्नल जो है 1/g, ये रहा हमारा सिग्नल, ये रहा फंक्शनल ब्लॉक और ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये समिंग पॉइंट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये सिग्नल जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में। उसी तरीके से अगर आपको ये समिंग पॉइंट बिहाइंड ब्लॉक और बियॉन्ड ब्लॉक अगर कन्वर्ट करना है तो आपको यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको 1/g लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ जी लेंगे तो ये फॉर्मेट सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको भी मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फंक्शनल ब्लॉक, ये रहा हमारा समिंग पॉइंट, ये रहा हमारा ये फंक्शनल ब्लॉक और ये सिग्नल, ये रहा पॉजिटिव और ये सिग्नल एक्स और ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको समिंग पॉइंट फंक्शनल ब्लॉक के बाद लाना है तो आपको जी एज इट इज़ रखना पड़ेगा, यानी कि फंक्शनल ब्लॉक एज इट इज़ सिग्नल में रखना होगा, और अगर आपको ये इसके पहले लाना है तो आपको जो फंक्शनल ब्लॉक है उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, यानी कि 1/g लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ उसी तरीके से ये भी एक रूल है, सातवां रूल हमारा, जो कि है शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड ब्लॉक, ठीक है। बिहाइंड ब्लॉक मतलब ये जो कट ऑफ पॉइंट है ये हमें फंक्शनल ब्लॉक के पहले लेना है। तो ये पहले लेने के लिए आपको यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर 1/g जो है वो यहाँ पर जी से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो आप ये जो कट ऑफ पॉइंट है वो इस तरीके से इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये लाने के लिए आपको करना पड़ेगा, ये फंक्शनल ब्लॉक रहा हमारा, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट और ये सिग्नल एक्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा आउटपुट फॉर्म में, यानी कि रूल अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आठवां रूल है वो है शिफ्टिंग कट ऑफ पॉइंट बियॉन्ड ब्लॉक, मतलब फंक्शनल ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें हमें ये कट ऑफ पॉइंट फंक्शनल ब्लॉक के बाद लाना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ जी लिखना पड़ा था, तो यहाँ पर आपको 1/g लिखना पड़ेगा ये कट ऑफ पॉइंट इस साइड लाने के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार रूल अप्लाई करके बता देता हूँ। ये रहा सिग्नल
एक्स, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद ये रूल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कट ऑफ पॉइंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये जो फंक्शनल ब्लॉक है इसका इन्वर्स ले लिया, मतलब 1/g ले लिया, ठीक है। तो ये अप्लाई रूल अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब आपका आ जाता है नवा रूल, जो है शिफ्टिंग कट ऑफ पॉइंट बियाइंड समिंग पॉइंट, मतलब बियॉन्ड समिंग पॉइंट के अगर पहले आपको कट ऑफ पॉइंट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको ये समिंग पॉइंट एज इट इज यहाँ पर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, फिर आपको ये इनपुट आउटपुट दे देना पड़ेगा, फिर ये भी सिग्नल दे देना पड़ेगा, ये वाई सिग्नल जो है ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आपको और एक समिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस समिंग पॉइंट को ये इस जगह से एक सिग्नल ला के दे देना पड़ेगा, और ये भी सिग्नल एक पॉजिटिव होगा और यहाँ से भी एक सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल होगा हमारा वाई सिग्नल और ये सिग्नल होगा हमारा एक्स सिग्नल, जो कि इस तरीके से आएगा। और एक्स की को अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होगा आर ऑफ एस प्लस और माइनस वाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो कट ऑफ पॉइंट है समिंग पॉइंट के पहले ला सक आपको लाना पड़ा तो आप कुछ ये फॉर्मूला यूज़ करके आप वो इस तरीके इस साइड ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नो रूल। अब दहवा रूल, 10 रूल देख लेते हैं। अब दसवा रूल जो है, उस रूल में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कट ऑफ पॉइंट है वो समिंग पॉइंट के बाद लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल है हमारा दसवा रूल, और ये अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली एक और बार ये समिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। समिंग पॉइंट को इनपुट आउटपुट दोनों भी दे दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एक सिग्नल आएगा जो होगा एक्स नहीं सॉरी वाई होगा, ये सिग्नल ये सिग्नल होगा यहाँ पर, ये सिग्नल हो जाने के बाद आपको यहाँ से और एक समिंग पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा और यहाँ से भी एक लेना पड़ेगा। ये दोनों भी जगह से इस समिंग पॉइंट को सिग्नल आ रहा है और ये हमारा एक्स सिग्नल, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस होगा साइन, इस सिग्नल का होगा साइन प्लस, और कुछ इस तरीके से आप ये जो सिग्नल है वो आउटपुट सिग्नल में यानी रूल अप्लाई करने के बाद ये सिग्नल कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आगे देखने हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।